राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा न हो। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह जुबानी हमला हिंदी चैनल आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में किया। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला को दिए इंटरव्यू में वह बोले, नीतीश जी का तो कुछ है ही नहीं, उनकी एक ही विचारधारा आइडियोलॉजी है, एक ही नीति, एक ही सिद्धांत है कि कुर्सी से चिपके रहना है। हालांकि एंकर ने इस पर उन्हें टोका और कहा, पहले तो एक ही पार्टी थी। तेजस्वी का जवाब आया, अभी तो अलग पार्टी है न, जहां जिस पार्टी में रहे वहां भी स्थिरता से कहां रहे, ऐसा कोई सगा जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तेजस्वी ने आगे बताया कि बिहार में किसी से भी पूछिएगा कि पलटू कुमार कौन है तो वह बता देंगे कि नीतीश कुमार हैं। यह पूछे जाने पर कि अनुभव की बार बार बात हो रही है कि तेजस्वी पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार से गायब भी रहे, इस पर क्या कहेंगे, उन्होंने उत्तर दिया, हम तो पहली लहर में भी काम करने निकले तो इन लोगों ने सरकार हम पर मुकदमे चला दिए, 307 का केस लगा दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार और सीएम के बजाय विपक्ष के नेता को क्यों ढूंढा जा रहा है, क्या इसका मतलब सरकार योग्य नहीं है, और ऐसी बात है तो वह कुर्सी छोड़ दें और विपक्ष को दे दें ताकि विपक्ष काम करके दिखा सके। लालू यादव के छोटे बेटे यह भी बोले कि लॉकडाउन में काम करने के लिए उनकी पार्टी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, पर सरकार लॉकडाउन का नियमों का हवाला देकर पार्टी और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चला दे रही थी।